गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज चुके हैं। रियांस मॉम ऑन ड्यूटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कोई ज्यादा कोई खास रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में पहले से ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, पोहा बनाने जा रही हूँ। मैं मॉर्निंग से आज स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो में कोई कोई भी मिस्टेक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है तो आप हमें बिल्कुल बताइएगा। और आप सब बताइए हमें सब वीडियो कैसे लग रही है। और रियांस उठ गए हैं, ट्राईपॉड लेके ये लगाएंगे। बेटा टूट जाएगा रियांश। नहीं टूटे, नहीं टूटे। सुबह उठ के आए हैं, सुबह उठ के आ चुके हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं। मैं किचन में मैं ये स्टैंड लगाने जा रही, ट्राईपॉड लगाने जा रही थी। देखो क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं आज कुछ समझ में ना आया, जब भी तो आप बेसन की सब्जी, अगर आपके पास बेसन है तो मैं बेसन की सब्जी बना रही हूँ। मैंने बेसन को छान लिया है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। मम्मी टूट जाओ, मम्मी टूट जाओ, टूट। स्वाद अनुसार मिर्च डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच से भी कम। मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधी चम्मच से भी कम हल्दी डाल रही हूँ। और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। ये मैंने लिया है बेसन, इसमें मैं थोड़ा 2-3 चम्मच ये वाली मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, इसे सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है। और एक ग्लास मैंने पानी लिया है, अपना मीडियम ग्लास पानी। जितना हमें यूज करना है पानी का, ज्यादा नहीं यूज करना है। हमें डो को, एक डो बना लेंगे हम, जैसे कि ना ही हमें डो को सख्त रखना है ना ही मुझे सॉफ्ट रखना है, मीडियम रखना है। थोड़ा 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 पानी का यूज करें, एक साथ पानी को बिल्कुल नहीं डालिए आप। रिफाइंड लगा लूंगी, जैसे ये चिपक रहा है ना, तो ये आपका चिपके कर दूंगी। जब तक इतना ना हो जाए इस तरह से मसलते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा, पहले मसल कितना सॉफ्ट हो चुका है। देखिए सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे मैं ऐसे ढक के रख दूंगी 5-7। मैंने इन सभी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इसमें 2-3 हरी मिर्च डाल लें, जितना आप मिर्च खाते हो उतना डाल दीजिए। मैंने मिक्सी ग्राइंडर में से पीस लिया, 2 बारीक काट लिया है मैंने प्याज को, और इसे मैंने चॉप कर लिया है। और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। फ्राईदान में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। फिर मैं इसमें कुछ बेसन की जो सब्जी है मैं उस तरह बनाऊंगी, बॉयल करके तब बनाऊंगी। और साइड में एक ग्रेवी बना रही हूँ। चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया, जो आप खाते वो डाल देती हूँ। अब मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। अब मैंने जो बारीक कटा हुआ प्याज लिया था वो मैं इसे डाल दिया है। अब इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन तक अच्छे से भून लूँगी। इससे बहुत बारीक काट कर आप प्याज डालते हैं सब्जी में तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। पीस के डालते हैं उसका अलग टेस्ट होता है। और ये बारीक कटा हुआ अदरक डाल दे रही हूँ मैं, कद्दूकस कर लिया था अदरक को। मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ तो मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है पीसने के अलावा। 5 मिनट हो चुके हैं, रश करने के लिए मैंने बेसन को रख दिया था। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। मम्मी रोटी बना। नहीं बेटा ये रोटी ऐसे में मैं इसे बॉयल इसे बेल दूंगी अच्छे से। इसे घुमा घुमा के बेल लीजिए, ज्यादा मोटा ज्यादा पतला नहीं रखना, ऐसे कर लेना।
मम्मी ये जो मैंने पानी जितने बड़े बड़े आप पीस रखना चाहें वो बाद में आपके टूट जाएंगे, आप ऐसे करके काट सकते हैं। नहीं, नहीं। जो मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है इसमें मैं सब डाल दूंगी एक एक करके। इसमें जो पानी बॉइल्ड है इसमें मैं एक चम्मच रिफाइंड डाल रही हूँ जिससे ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जो मैंने टमाटर पीस के रखे हैं मैं इसे डाल दूंगी और अच्छी तरीके से चला दूंगी और मैं इसमें कुछ मसालों को ऐड करूंगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, मम्मी दूध, आधा चम्मच गरम मसाला, आमला गम्बम और स्वाद अनुसार अब मसाले को अच्छी तरीके से पका लूंगी। मम्मी इन सभी चीजों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, इसे प्लेट से ढक दूंगी। जो मैंने डाले थे काट के ये बॉइल्ड हो चुके हैं, इसका कलर चेंज हो और जब दोबारा बनाए तो इसे जो आपका पानी है उतना ही बॉइल्ड रहे, इसे कम इसकी आंच ना होने पाए, ये खोल जाएंगे भी कलर चेंज हो जाएगा अपने आप करके। थोड़ा थोड़ा करके मैं अच्छे से इसे निकाल लूंगी। ठंडा 1 से 2 मिनट तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं ये जो हमारी ग्रेवी हमने अपनी तैयार की ये के लिए रखा था, ये मसाले हमारा तेल सेपरेट हो चुका है और अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। मैंने प्लेट से इसे ढक दिया है, 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है, बॉइल्ड आ चुका है। ये जो मैंने बनाया है इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बना रही और इसे ढक के पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे, एकदम गैस फ्लेम को थोड़ा सा धीमे ही रखेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है और खाने में ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप राइस से, रोटी से, पराठे से खा सकते हैं और इसमें मैं गार्निशिंग के लिए धनिया डाल दूंगी। मैं धनिया पहले ही डाल देती हूँ और थोड़ा सा पका लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इट्स रेडी है, आप सब लोग भी आ जाइए कर लीजिए। मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए हैं और मैं सक्शन वाइज में कपड़े लगाती हूँ, जैसे कि जो भी मुझे फोल्ड करने, बेडशीट मैंने अलग कर ली है और रियाज के डैडी कपड़े अलग कर लिए और अपने कपड़े अलग और रियाज के अलग, जिससे ना मुझे दिक्कत नहीं होती है अलमारी में लगाने में। मैं कपड़े लगा देती हूँ अलमारी में, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। गुड नाइट डियर, रात के 10:30 बज चुके हैं और हम लोगों का डिनर वगैरह भी हो चुका है और बर्तन वगैरह भी हो चुके हैं, गैस क्लीनिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, रियाज भी सो गए हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है आप सभी को तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखें, जिससे हमें पता चलता रहे कि अगर कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।